मामा भैया मेरी माँ कृपा की वर्षा करते रहना ताकि अंतिम सांस तक मैं परिवार का ये रिश्ता अपनी जनता के साथ निभा के इनकी जिंदगी सुखी बना पाऊं, आपकी जिंदगी बदल पाऊं। मुझे क्या चाहिए? हर एक का जन्म किसी न किसी उद्देश्य के लिए होता है। मेरा जन्म हुआ है आपकी सेवा के लिए। मैं कहता हूं मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, इसमें रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है और इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। मैं आपकी सेवा करने, आपके कष्ट दूर करने, और इसलिए देखो मेरी बहन है हो चाहे मेरे किसान भाई हो, 6000 पीएम दे रहे। तो मैंने कहा मामा काय को पीछे रहे, अच्छा तू भी रहे। पहले 2 पीएम के आते, फिर 2 सीएम के आते, फिर 2 पीएम के आते, फिर 2 सीएम के आते, फिर 2 पीएम के आते, फिर 2 सीएम के आते, और बहन और भैया के पैसा मिला लो तो 1250 और 1000, 2250 तो पक्के ही है ना हर महीना। अरे बताओ कोई ने सोचा था कि ऐसी सरकार भी आएगी जो ऐसे पैसा भेजेगी? आपकी जिंदगी बदलना है। किसान हो, गरीब हो, नौजवान हो, बेटा बेटी हो, और सुनना रे भाइयों बहनों, जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है उनको फ्री में जमीन और पट्टा देके मालिक बनाऊंगा, कोई को बिना जमीन के नहीं रहने। आंधी नहीं तूफान है, और एक बात और सुन लो, योजना बन गई है, कई लोगों के नाम पीएम आवास योजना में छूट गए। कच्चे मकान में जयसिंह जी भी कह रहे हैं कि जाते हैं तो कहते हैं भैया हमारा मकान देख लो कच्ची झोपड़ी है, झोपड़ी कहते हैं ना टूटी टपरिया कच्ची झोपड़ी। मेरी बहनों एक योजना और बना दी है, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना, फार्म भरवा रहा हूं, जिनके कच्चे मकान है उनके पक्के मकान बनवाने के लिए पैसा दिया जाएगा। आपकी जिंदगी बदलना है, कोई बैठ के कुर्सी पे आनंद थोड़ी भोगना है। बीमार हो जाए इलाज की व्यवस्था, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था। मेरे भाई और बहनों सुन लेना, भांजे भांजियों की पढ़ाई में कसर नहीं रहने दूंगा। अभी हमने तय किया 12वीं में अच्छे नंबर लाएंगे तो मामा स्कूटी दिलवाएगा। स्कूटी इस साल नंबर 1 पे जो बेटा बेटी रहे मामा ने स्कूटी दिलवाई, अब 3-3 को दिलवाऊंगा, चिंता मत करना। क्यों? ये इसलिए कि बच्चे पढ़ने के लिए प्रेरणा प्राप्त करें कि यार अच्छा पढ़ो, मामा स्कूटी देगा, मामा कंप्यूटर देगा। जैसे मम्मी कहती ना बेटा मान जा मैं टॉफी दूंगी, मैं चॉकलेट दूंगी, मैं भी करूं बेटा पढ़ लो मैं स्कूटी दूंगा। इस बहाने बच्चे पढ़े और शिक्षा का स्तर ऊपर उठ जाए। सीएम राज स्कूल बना रहे, गरीब के लिए शानदार स्कूल, किसान के बेटा बेटियों के लिए शानदार स्कूल, प्राइवेट स्कूल से बेहतर स्कूल बना के दे रहे हैं। एक एक स्कूल की भवन की कीमत 35-35, 40-40 करोड़ है। शिक्षा, स्वास्थ्य, मेरे बहन और भाइयों कैसे कैसे जिंदगी बदले। बस आंखों में आंसू ना रहे, चेहरे पर मुस्कुराहट आए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और विकास के काम जयसिंह जी बता ही रहे थे आपको, विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज मैं लोक बनाने की बात कह नहीं सकता, लेकिन मैया के दरबार में आया हूं और आपके मुंह से ये शब्द निकले तो मैया करवाई की चिंता मत करना। दोनों हाथों को ऊपर उठा के तालियां बजती रहनी चाहिए। लाडली नहीं तूफान है, भारत माता की जय। सड़क, बिजली, पानी, मकान, सिंचाई की योजनाएं, बच्चों को रोजगार, एक परिवार में एक रोजगार का अवसर उपलब्ध कराएंगे ताकि परिवार मजबूर ना रहे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिंदगी बदलना है आपकी।
और आपकी जिंदगी बदल गई तो मेरी जिंदगी सफल हो गई, मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया। और इसलिए आप सबसे अपील करने आया हूं, कांग्रेस के लोग कई तरह की झूठी बातें करेंगे। उस दिन मैडम बुलवाई प्रियंका गांधी और पीछे भाषण खत्म हो गया, बोले ये घोषणा और कर दो, बोले तुम ही करो कमलनाथ से, बोले नहीं तुम ही कर दो, कागज लिख के दे दिया। अब कागज लिख के दे दिया कि बच्चों को कागज में लिखा था कि हर साल 1000 देंगे 500 देंगे, तो फिर तो और क्या है कि हर साल नहीं हर महीना बोल दो, हर महीना बोल दो। तो मैडम बोली इसमें तो लिखा है हर साल देंगे, बोले नहीं तुम तो महीने ही बोल दो, लेना ना देना अपना कहा जाता है, बोल दो। ये झूठे और बेईमान लोग जनता को ठगने वाले, छलने वाले। पहले राहुल से झूठ बुलवाया कि कर्जा माफ कर देंगे 10 दिन में, कहा था कि नहीं कहा था कांग्रेस ने बताओ, 10 दिन में माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे, 10 दिन नहीं सवा साल हो गए। अब कह रहे तुम तो कह दो कह दो कह दो, अरे जरा तो झूठ बोलने से डरो। ये बेईमान कांग्रेस, कांग्रेस के लोगों ने तो मेरा श्राद्ध ही कर दिया है, पोस्ट डालने के मामा का श्राद्ध हो गया, श्राद्ध। इनका मामा मर भी जाएगा तो राख में से उठ के खड़ा हो जाएगा और जनता की सेवा करने लगेगा। आधी नहीं तूफान है, आधी नहीं तूफान है, राख के ढेर में से खड़ा हो जाऊंगा फिर आपकी तकलीफ दूर करने, क्योंकि आपकी सेवा ही मेरे लिए भगिया माँ की पूजा है, जनता की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है। और इसीलिए आज आपकी अपील करने आया हूं, बहन और भाई, अगर हमने सच्चे मन से आपकी सेवा की है, ईमानदारी से आपकी सेवा की है, तो फिर भाई को आशीर्वाद दे देना, मामा को आशीर्वाद दे देना, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे देना, अपने प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद दे देना। बोलो जिसने अच्छा काम किया है उसको फिर से जिताना चाहिए कि नहीं, उसका साथ देना चाहिए कि नहीं। और इसलिए मैं कह रहा हूं लाडली बहनों, चूक मत जाना, घर भी कह देना है कि नहीं इस बार तो भैया ही को देना है, और चुनाव प्रचार भी करना, छोड़ना मत, भैया अकेले काय को लड़े, बहनों को भी साथ देना चाहिए कि नहीं। भाई और बहनों आओ मैदान में, और जय सिंह मरा भी हीरा है, भारतीय जनता पार्टी के हीरा, ऐसा सेवा का कार्यकर्ता मुश्किल से मिलते हैं। जय सिंह जी को आपकी सेवा के लिए हमने भेजा है, ये आपकी सेवा में कोई और कसर नहीं रखेंगे, और जय सिंह जी अकेले नहीं, उनके साथ शिवराज सिंह चौहान खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी सरकार सभी के हाथ ऊपर रहेंगे। मोदी जी आए थे, मोदी ही आए। एक मिनट, और इसलिए आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम यहाँ से रिकॉर्ड वोटों से भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, चुनाव में प्रचार भी करेंगे, वोट भी डालेंगे और वोट भी डलवाएंगे, फिर से मोदी जी को आशीर्वाद देंगे, मामा को आशीर्वाद देंगे, जय सिंह मराबी को आशीर्वाद देंगे, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगे। बोलिए सब तैयार है, उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लीजिए। बोलिए भारत माता की, भटिया महारानी की, मेरी जनता जनार्दन की, लाडली बहनाओं की, प्यारे भाइयों की, भांजे भांजियों की, बहुत बहुत धन्यवाद।